रामायण हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ है, परंतु रामायण की संपूर्ण गाथा के बारे में केवल कुछ लोग ही जानते हैं। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस और ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनका जिक्र कम ही सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप राम के भक्त हैं या उन पर थोड़ी भी आस्था रखते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बताया है कि सीता के स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया, परंतु ऋषि वाल्मीकि की रामायण में सीता के स्वयंवर का कोई जिक्र ही नहीं है। रामायण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ मिथिला लेकर गए। वहां पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र ने मिथिला नरेश से आग्रह किया कि वे उन्हें शिव धनुष दिखाए। उसी समय खेल खेल में भगवान राम ने धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा, तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई के पुत्र नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। परंतु रावण ने उसकी एक न सुनी, इस कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी आज्ञा के विरुद्ध स्पर्श भी किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण के विनाश के पीछे शूर्पनखा का हाथ था। एक युद्ध के दौरान रावण ने शूर्पनखा के पति विद्युत जीव का वध कर दिया था, जिस पर शूर्पनखा ने रावण को मन ही मन श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा नाश होगा। शूर्पनखा की नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटने पर ही गुस्साए रावण ने सीता का हरण किया और फिर रावण का श्री राम द्वारा वध हो गया। सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई कुबेर की थी। रावण ने लंका अपने बड़े भाई को विश्व विजय हेतु किए गए युद्ध में हराकर हासिल की थी। रावण ने पुष्पक विमान भी कुबेर से ही छीना था। रामायण में बताया गया है कि एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, उस समय रास्ते में उसे वेदवती नाम की स्त्री मिली। वह भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वेदवती के मना करने पर रावण ने उसके बाल पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, परंतु रावण के हाथ लगाते ही वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही उसकी मृत्यु होगी और उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, इस सत्य से तो हम सभी भली भांति अवगत हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के दौरान इंद्रदेव ने अपने दिव्य रथ को राम जी के पास भेजा था, जिस पर बैठकर प्रभु राम ने रावण का वध किया। मित्रों, क्या आप रामायण से जुड़ी इन बातों को पहले से जानते थे? हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई धार्मिक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।